नमस्कार, मैं दीक्षा जस्टोमनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज है 17 मार्च, दिन है शुक्रवार। बात करेंगे सरसों में आई सुधार के बारे में, वहीं क्रूड पाम ऑयल में आई गिरावट के बारे में। ग्राही निकलने और बिकवाली कमजोर होने से स्थानीय बाजार में सरसों व इसके तेल कीमतों में 50 से 100 रुपये क्विंटल की तेजी आई है। वहीं मांग कमजोर होने की वजह से क्रूड पाम ऑयल व अरंडी तेल के भाव 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल नीचे आ गए हैं। उत्पादक क्षेत्रों में आवक कमजोर होने और घटे भाव पर तेल मिलों की पूछ परख निकलने से लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 50 रुपये ज्यादा होकर 5400 और 5450 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। सरसों में आई तेजी और राजस्थान और हरियाणा की बिकवाली कमजोर होने से सरसों तेल के भाव 100 रुपये सुधार कर 11000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। दादरी लाइन में इसके भाव 10850 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। देश की विभिन्न मंडियों में सरसों की आवक आज 14 लाख से घटकर 13.50 लाख बोरी की रही। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें दे सकें। दूसरी ओर वनस्पति घी रिफाइंड मीलों की मांग कमजोर होने और आपूर्ति बढ़ने से बिनौला तेल 100 रुपये गिरकर 5400 प्रति क्विंटल पर आ गया। उठाव ना होने से राइस ब्राइन ऑयल भी 50 रुपये मिलाकर 10700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। शिकागो सोया तेल वायदा के माइनस में होने और आयतकों की बिकवाली आने से कांदला में सोया रिफाइंड के भाव 100 रुपये घटकर 10250 प्रति क्विंटल हो गए हैं। आयतित तेलों में नरमी का रुख होने और मध्य प्रदेश की मंडियों में सोया रिफाइंड के भाव 10400 और 10500 रुपये प्रति क्विंटल बोले जाने की वजह से यहाँ पर भी सोया रिफाइंड के भाव 10700 से घटकर 10650 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। विदेशों में सीपीओ के भाव 1025 से घटकर 10-10 डॉलर प्रति टन पर रह जाने और वनस्पति की निर्माताओं की मांग कमजोर होने से कांदला में क्रूड पाम ऑयल के भाव 8250 से घटकर 8150 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। सरोरिया रिवाली कमजोर होने से केएलसी में सीपीओ अप्रैल डिलीवरी 6 रिंगिट घटकर 4053, मई के भाव 24 रिंगिट घटकर 3993 रिंगिट प्रति टन हो गई है। खाद्य तेलों में नरमी का रुख होने की वजह से वनस्पति घी के भाव दबे रहे। वहीं औद्योगिक मांग कमजोर होने और गुजरात व राजस्थान की मंडियों के बंदे समाचार आने से अरंडी तेल 200 रुपये टूटकर 14300 और 14400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। दोस्तों, जस्ट मनी गुरु 42 कमोडिटीज पर काम करके आपको जानकारी देता है, इसलिए हमारे चैनल लाइक दोस्तों जस्ट मनी गुरु 42 कम्युनिटीज पर काम करके आपको हर जानकारी देता है, और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।